जी मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको इंतज़ार था बहुत दिनों से कि वैकेंसी आने वाली है, और जो वैकेंसी अभी आई है उसमें बहुत ज़्यादा पद तो नहीं है, इससे थोड़ा सा निराशा भी आप लोगों के अंदर होगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आई हुई हैं उन पर भी मेहनत करिए, और उसमें कुछ पद बढ़ने की संभावना भी है। और अभी एक वैकेंसी उसके साथ में जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें APS और ARO की दोनों वैकेंसियाँ हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और साथ में उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आपको पेपर पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, आज हम लोग इस पर देखेंगे, ठीक ना। और किस योग्यता वाले अपर निजी सचिव के लिए फॉर्म भर पाएंगे वो भी आपको देखना है। बस ये थोड़ा सा ये नोटिस को देख लीजिए, इस नोटिस को अभी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है, और ये नई परंपरा है इनकी कि पहले बता रहे हैं कि हम इस डेट को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अपर निजी सचिव के 300 पद हैं और ये सितंबर के दूसरे सप्ताह में ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी ये विज्ञप्ति जारी की है, नोटिस दिया है कि हम आ रहे हैं, ठीक है ना, 300 वैकेंसी लेकर के। लगता बहुत बड़ा काम करने आ रहे हैं, 300 वैकेंसी हैं जहां पर 700-800 वैकेंसी खाली हैं, और आपने पेपर में भी दिया, लेकिन आज 300 वैकेंसी देकर के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। वहीं पर RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी का लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पूरे यूपी के सारे लोगों का सपना है कि हमें भी सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना है, और वैकेंसी कितनी आई है, 181, अब बताइए। और इसको भी अभी आपने जारी किया है नोटिस, बताया है कि हम लाने वाले हैं, और ये आएगी कब, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर आपको पता चलेगा इसका पेपर दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, फिर उसके बाद में कब इसका जो है फाइनल होगा, ये बात की बात है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी पॉइंटों पे, और कि ये जो APS की वैकेंसी है इसमें कौन से अभ्यर्थी हैं, कि कौन से लोग हैं जो इनको फॉर्म भर पाएंगे, और अच्छे से उनकी तैयारी अगर करेंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो चाहे उसको देख सकते हैं, ठीक ना। अपर निजी सचिव इसको कहते हैं, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होता है APS, ठीक है ना। और ये मंत्रियों के साथ में या IAS अधिकारियों के साथ में या सचिवों के साथ में इसकी जो है पोस्टिंग होती है, और ऑफिशियल जॉब है, और सारे के सारे मंत्रियों का काम या IAS अधिकारियों का काम या सचिवों का काम इन्हीं के माध्यम से जो है फाइलों का लेन देन या आदान प्रदान होता है। तो हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता इसकी क्या है। कुछ योग्यता इसकी अलग है, स्पेशल है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाह तो रहे हैं कि हम भी इस परीक्षा को दें और हम भी इसमें सेलेक्ट हों, लेकिन उनका कुछ ऐसा है कि वो उसमें फॉर्म भर नहीं पाएंगे, या उसकी तैयारी उनको अभी जो है करने में टाइम लगेगा। देखिए, एक नॉर्मल जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक। अगर आप स्नातक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ में एक जो है और चीज़ है कि इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड चाहिए, और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग। अगर ये आता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये इतनी आसानी से इतनी स्पीड नहीं मिल पाती है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डोएक सोसाइटी से जो कंप्यूटर का CCC का कोर्स है वो आपने किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 साल होना चाहिए। अगर 21 से 40 साल के बीच में है तो APS की वैकेंसी को आप फॉर्म भर सकते हैं, और 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। यदि आप जो है OBC हैं, आप SC हैं, आप ST हैं, और या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी है, जनरल भी है, तो भी 5 वर्ष का छूट मिलेगा अगर आप किसी भी सरकारी जॉब में हैं या टीचर हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या है कि आपकी जो वेतन है वो सेम जो है सचिवालय के समीक्षा अधिकारी के बराबर है। 4800 ग्रेड पे समीक्षा अधिकारी का भी है, 4800 ग्रेड पे अपर निजी सचिव का भी है। तो वेतन ठीक ठाक है, और बहुत अच्छी पोस्ट है कि कम से कम अधिकारियों के पास में ही रहने को मिलेगा। और साथ में ये इसका पूरा का पूरा पेपर का शेड्यूल है कि इस तरीके से ये पेपर पूछे जाएंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, सामान्य ज्ञान का है, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। फिर सामान्य हिंदी का है, 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का है। और ये देखिए, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। अगर आपने शॉर्ट हैंड आप तैयार कर सकते हैं, या शॉर्ट हैंड आपकी तैयार है, या शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हैं, या पहले आपने सीखा था बीच में जो है आपने छोड़ दिया है, तो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो शॉर्ट हैंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 135 नंबर मिलेंगे और शॉर्ट हैंड पास होना जरूरी है। साथ में हिंदी की शॉर्ट हैंड के साथ में हिंदी की टाइपिंग जरूरी है। जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है वो दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता है, उसके लिए आप ही पढ़ करके उसको टाइप करेंगे। और टाइप में इसका 25 शब्द आपका जो है पर मिनट होना चाहिए, और 25 शब्द का आपको 10 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 25 के बाद 30 शब्द कर दिया तो 30 शब्द का प्लस एक नंबर और हो जाएगा, फिर 35 हो गया तो एक और, तो इस तरह से टोटल 15 नंबर आपको मिलेंगे। ये 3 जो है ऑप्शनल है, मतलब कि ये आप अगर हिंदी में कर रहे हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इनको भी कर सकते हैं, फेल पास का मतलब इसे नहीं। अगर आप पास हो जाते हैं इनमें भी तो ये एडिशनल है कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पास कर लेते हैं उनको अधिमानी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इनको लिया जाएगा। और साथ में 8वां पेपर होता है, ये कंप्यूटर से होता है, कंप्यूटर ज्ञान का 100 नंबर का होता है, और ये 1 घंटे 30 मिनट का पेपर इसका भी होता है। अब इसका डिटेल में जरा सिलेबस देख लीजिए कि डिटेल में सिलेबस इसका क्या है, और जो है
इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सामान्य अध्ययन का 100 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें आपको जो है ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक से ही 10-10 5-5 नंबर का ये जो सेगमेंट दिया हुआ है ये यहाँ से पूछा जाएगा। पूरा का पूरा एब्रीविएशन है, फेमस पुस्तकें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स और अंक गणित 8वीं तक की ये पूछी जाएगी जीएस में। ये 100 नंबर आपको दिलाएगी, साथ में हिंदी का। ये जीएस भी आप पूरी तरह से समीक्षा अधिकारी में पढ़ रहे हैं और ये हिंदी भी आप इधर पढ़ रहे हैं, अपठित गद्यांश आप पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, अपठित गद्यांश वाक्यांश के लिए शीर्षक मतलब गद्यांश का शीर्षक कैसे निकालना है, संक्षेपण आप पढ़ रहे हैं और साथ में क्या पत्र लेखन का जो सेगमेंट है वो भी आप देख रहे हैं, कार्यालय विभिन्न पत्रों के द्वारा कैसे आलेखन किया जाएगा, मुहावरे लोकोक्तियां भी आप समीक्षा अधिकारी में इसमें पढ़ते हैं, विभिन्न शब्दों के लिए एक शब्द आप पढ़ते हैं, वाक्य और शुद्धिकरण व पर्यायवाची विलोम और हिंदी निबंध। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आप जो है समीक्षा अधिकारी के मेंस वाले सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर करा भी रहे हैं और ये जीएस का भी सेक्शन हो रहा है और ये जो है जो हिंदी वाला सेगमेंट है इसमें भी आपको 100 नंबर की हिंदी और साथ में निबंध तैयार कराया जा रहा है। तो ये आपको होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर का जो आपको 100 नंबर का पेपर बनेगा ये कंपलसरी पेपर है, इसमें से ये पूरा का पूरा सेगमेंट कंप्यूटर्स का जो है आएगा और ये पॉइंट यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है ना, इतना आपको ये तैयार करना पड़ेगा। साथ में आपको क्या है कि ये जो हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है इसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अगर आपकी 80 शब्द प्रति मिनट है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में हिंदी का वो टाइपिंग जो शॉर्ट हैंड आपने लिखी है उसको फिर 25 प्रति मिनट मतलब 25 शब्द प्रति मिनट के गति से इसको आप टाइप करके आप मैटर देंगे और इस मैटर का अलग अलग नंबर यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि आप देख लीजिए इसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर 25 है, ठीक है, चलिए ये देख लीजिए इसमें 25, ये 25 से 29 तक 10 नंबर आपको मिलेगा, ये पास मार्किंग है। अगर आप पास हो जाते हैं और उसके बाद में स्पीड आपकी बहुत अच्छी है 30 तक आ जाते हैं 35 तक तो एक नंबर आपका बढ़ता जाएगा फिर एक नंबर, तो टोटल करके आपको 15 नंबर मिलेंगे अगर मोर देन 50 वर्ड्स आपका जो है हो जाता है। लेकिन आपको इसको नहीं, आपको पास होना जरूरी है, मतलब कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना आपने कर लिया तो फिर आप ये परीक्षा पास कर लेंगे और साथ में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं तो कर पाएंगे और साथ में एडिशनल जो अगर आप चाहते हैं जो विकल्पी है जो वैकल्पिक है उसको भी अंग्रेजी में है इसको भी आप दे सकते हैं। ये पेपर है आपका और साथ में अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड आती है और अंग्रेजी का भी टाइपिंग आती है, अगर आप इसको भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और इससे भी आप जो है आपकी मेरिट बन सकती है। तो ध्यान रखना मित्रों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जीएस है, हिंदी है और कंप्यूटर ज्ञान है और साथ में शॉर्ट हैंड जरूरी है, हिंदी की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग कंपलसरी है। अगर इतना आपके पास में है और आप कर सकते हैं तो बिल्कुल ये 300 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं, अब इनमें भी आप मेहनत कर सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने भाग्य को आजमा सकते हैं और देखिए कड़ी मेहनत अगर आप करते हैं तो 300 में हो सकता है आपका भी एक नाम जरूर रहे, ठीक है। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।